बाल चौपाल बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज मैं आपको सुनाऊंगी आप ही की कहानी। हाँ भाई, आपकी कल्पनाशीलता की कहानी और मम्मी के साथ आपकी बातचीत। इसे प्रकाशित किया है एकलव्य प्रकाशन ने। कहानी का नाम है मैं तो बिल्ली हूँ। नन्नी मुन्नी टिंटी ने आंखें खोलकर रजाई में से सिर बाहर निकाला और आसमान की तरफ देखकर बोली, मैं तो बिल्ली हूँ। और माँ के पास सरक आई, नहीं तुम बिल्ली नहीं, तुम मेरी नन्नी सी बेटी हो, माँ ने उसको गुदगुदी करते हुए कहा। टिंटी छटपटाकर दूर सरकने लगी और सरकते सरकते बोली, नहीं मैं तो बिल्ली हूँ। टिंटी जाओ जाकर मुंह धो लो। मैं नहीं धो सकती। क्यों? मैं तो बिल्ली हूँ। तो चाट चाट कर मुंह और बदन चमकाओ, बिल्लियाँ यही तो करती हैं। टिंटी ने बिल्ली की तरह अपने बदन को चाटना शुरू किया तो मुंह में आया नमक और धूल का स्वाद। उफ, नहीं कर सकती। तो तुम सिर्फ तीन पाव बिल्ली हो। तीन पाव समझते हो बच्चों? यानी तीन चौथाई, 3/4। टिंटी ने कहा और दूर सरक गई। टिंटी जाओ छोटी को आजी के घर छोड़ाओ। नहीं। क्यों? मैं तो बिल्ली हूँ। तो उसे अपने मुंह से उठाओ, बिल्लियाँ यही तो करती हैं। टिंटी ने कोशिश की तो निकम चीख पड़ी और उसे नोचने को तैयार हो गई। मुंह से पकड़ने का मतलब काटने जैसा हो गया ना हमारे लिए तो। उफ, नहीं कर सकती। तो तुम सिर्फ आधी बिल्ली हो। अहूं, कहकर टिंटी वहां से भाग ली। टिंटी चलो कचरा बीनने चलो, देर हो रही है। मैं नहीं चल सकती। क्यों? मैं तो बिल्ली हूँ। तो जाओ चूहे मारो, मेंढक मारो, बिल्लियाँ यही तो करती हैं। टिंटी ने भाग दौड़ की कमरे में, लेकिन कोई हाथ नहीं आया। चूहे बहुत फुर्तीले होते हैं ना। उफ, नहीं पकड़ सकती। थककर बैठ गई। तो तुम सिर्फ एक पाव बिल्ली हो, यानी एक चौथाई बिल्ली। अहूं, कहकर टिंटी दूर हट गई। सब लोग काम पर चले गए। टिंटी दिन भर बस्ती में भटकती रही और आजी के घर गई। एक रोटी लेना चाही, भूख लगी थी ना। तो आजी ने बेलन उठाया और कहा, हट जा भाग, अपना खाना खुद ढूंढ, चोर बिल्ली। कहकर टिंटी भूखी ही भाग खड़ी हुई। और जब शाम को सब बच्चे लौटे तो उन्होंने कहा, टिंटी चलो खेलें। नहीं। पर फिर उसने सोचा, बिल्लियां खेल तो सकती हैं। तो उसने कहा, रुको रुको मैं आ रही हूँ। और टिंटी खेलने के लिए दौड़ पड़ी। बिना दौड़े बिना खेले मन भी तो नहीं लग रहा था। शाम ढले जब माँ लौटी तो टिंटी माँ की राह देख रही थी। और माँ जब रोटी बनाने बैठी तो टिंटी ने कहा, मुझे रोटी दे दो। नहीं। क्यों? क्योंकि तुम तो बिल्ली हो, मरे चूहे खाओ, बिल्लियां यही तो करती हैं। उफ, मैं नहीं कर सकती। टिंटी ने मुंह बनाया। तो फिर तुम जीरो बिल्ली हूँ, टिंटी ने चहक कर कहा। मैं बिल्ली हूँ ही नहीं, मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ टिंटी। और ये कहते हुए टिंटी माँ से लिपट गई और रोटी को फटाफट भूखी बिल्ली की तरह खा गई।
तो बच्चों ये थी कहानी मैं तो बिल्ली हूँ। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट sahakarradio.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियां।